अस्सलामुअलैकुम। आप देखते हैं आजी विजन, देख रहे हैं आजी विजन। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे और आपके पेट्स भी ठीक होंगे। तो जी वीडियो आर्ट की स्टार्ट करते हैं। मैं शाम का टाइम है, ये कबूतर खुले हुए हैं, बाकी सारे कबूतर बंद हैं। ये कुछ 2, 4, 6, 8, 10 कबूतर बैठे हुए हैं, इनके अलावा बाकी सारे कबूतर बंद हैं अपने, ठीक है। क्योंकि ऊपर कोई नहीं था तो बिल्ली शिल्ली ना आ जाए, इसलिए बंद किया हुआ था उनको। मुर्गियाँ इधर घूम रही हैं, तीनों मुर्गियाँ खुली हुई हैं, मतलब दो मुर्गियाँ और एक मुर्गा, ठीक है। तो वो असील अपनी पानी पी रही है और दूसरा मुर्गा उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। बाकी ये मुर्गी इधर बैठी हुई है आँखें बंद करके, सही है। और रैबिट्स अपने बंद हैं, उनको भी खोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले कबूतरों को खोल लें या रैबिट्स को? चलो देखते हैं रैबिट्स क्या कर रहे हैं। लेंच ये तो जी तैयार बैठे हुए हैं बाहर आने के लिए, देखें कैसे कर रहे हैं, ठीक है। देखें टांगे उठा रहे हैं बार बार, कोई रास्ता कहीं से निकलने का बने, पर ऐसा होगा नहीं। तो डब अपनी पीछे आराम से बैठी हुई है, तो खोलते हैं इनको। सबसे पहले इनकी बारी। लो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो जल्दी तो इतनी थी बाहर आने की, और दरवाज़ा खुलते ही आराम से बैठ गए, नहीं आ रहे हैं भाई। तो स्मार्ट स्मार्ट हो गए, कमज़ोर हो गए बेचारे, बेचारे खाते पीते नहीं मेरे जैसे हो गए हैं जी, कमज़ोर कमज़ोर। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। मुझे ख्याल से इनको भूख लगी है, तो वो ना देख रहे हैं कि मैं दाना देने आया हूँ या इनके दाने का टाइम होगा ये, क्योंकि भाई इस टाइम ही दाना देते होंगे शाम टाइम। तो जी सफाई करने का एक दिन हुआ, सफाई की और हालात चेक कर लो जी, फिर वही गंद डल गया सारा कुछ। तो डब अपनी अंदर रेस्ट मार रही है, चिलिंग कर रही है, तो उसको चिल करने देते हैं और खोलते हैं दूसरे जानवरों को। ये लें जी, इधर कोई नया कबूतर नहीं जी, नया कबूतर कोई नहीं है, सारे पुराने कबूतर बैठे हुए हैं अपने, ठीक है। वो अंदर जो बैठा हुआ है वो बेबी पिजन था, तो माशाल्लाह से बड़ा हो गया। तो ये उसका बाप बैठा हुआ है ये कूलर के साथ। तो अब खोलते हैं फैंसी वाला केज भी। नहीं जी ये तो वापस अंदर जाने लग गए हैं सारे, मैंने सोचा था बाहर आएंगे, तो उनको जो अंदर जाता है जाए, जो बाहर आता है। तो इधर फैंसियों को भी खोल दिया साथ ही, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जी बाहर निकल के उड़ने स्टार्ट कर दिए हैं कुछ ने, कुछ ये बैठे हुए हैं, ये देखें लक्का ऊपर जाके बैठ गए, और ये भी उड़ रहा है जो नया पट्ठा था। गुड्डे शुड्डे उड़ रहे हैं, मौसम बड़ा प्यारा है, पतंगबाजी कर रही है वहाँ, ठीक है। बाकी फैंसियों का ये सीन चल रहा है, उधर मेरे ख्याल से बच्चों शच्चों को दाना दिया जा रहा है। ये देखें बच्चों को दाना मिल रहा है इधर, और वो बच्चे भी भूखे हैं, वो देख रहे हैं कुछ मिलेगा, और मेरे ख्याल से कोई आया ही नहीं आज सुबह से ऊपर, तो इनको कुछ भी नहीं दिया होगा किसी ने, तो मुझे भी नहीं पता। तो माशाल्लाह से वो ब्लैक बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया, लाल का वो भी थोड़े दिनों तक आ जाएगा भाई, इधर अंधेरा है नज़र नहीं आ रहा होगा। तो वो ये देखें अपना लाल बादशाह भी दाना देगा अपने बच्चों को, और ये मार रहा है उसको, वो देखें वो दाना दे रहा है। मैं लाइट चला के देखता हूँ, थोड़ी सी लाइट आ जाए, वो देखें वो ब्लैक पर नज़र आ रहे होंगे अंधेरे में। मैं आगे गया तो वो नहीं मतलब के देगा, तो वो ऊपर चढ़ रहा है अपने बाप के पास। तो इनको जी खाने देते हैं, बाकी और तो कोई नहीं। ये देखें इधर फीमेल भी अब दाना दे रही है, पहले मेल ने दिया, फीमेल दे रही है इसको दाना, ठीक है। मतलब कि इनको दाना शाना इन्होंने खाया हुआ था, जो बाहर घूम रहे थे उनको दाना मिला है, जो अंदर है उनको दाना नहीं मिला, तो उनको दाना शाना देते हैं, कुछ करते हैं इनका सीन भी। फैंसियों वाला कोई बच्चे वाला सीन है, पर वो अंदर ही थे तो उनका कुछ नहीं होगा दाना शाना दे दिया होगा। तो इनको पानी शानी रखते हैं, ठीक है, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो पानी शानी रख दिया जी, ये पानी पी रहे हैं, और देखें जी सेंटी की फ़ीमेल फिर अंडों पे आ गई है, मतलब कि ये बच्चे अब खुद से ही खाएँगे। एक दो वीक शायद इनका बाप देखे, एक वीक ज़्यादा से ज़्यादा, दो वीक भी नहीं। और ये फीमेल भी माशाल्लाह दोबारा से अंडों पे आ गई है, तो इसके अंडे भी अपनी काली मुर्गी ने खा लिए थे, ठीक है। अभी भी मेरे ख्याल से केज के अंदर गई हुई है, पर अभी टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि कोई अंडों वाला सीन नहीं है, तो शायद हो, मुझे पता भी नहीं है। तो कुछ कबूतर अंदर हैं, कुछ कबूतर बाहर हैं, मैं केज भी नहीं बंद कर सकता, तो क्या करूँ, मैं देखता हूँ उसको।
ये देखें जी अंदर ही थी, तो शुक्र है देख लिया, पुट्ठा सीधा सीन नहीं हो गया या खा तो नहीं लिया सिलेंडा खा लिया होगा, उसके मेल और फीमेल बाहर ही घूम रहे हैं। नहीं अंडा तो इसमें है ही नहीं, इधर भी कोई सीन नहीं अंडे वाला। ये जी अपना जोड़ा बच्चों का इधर है, वो ही इधर होंगे, एक ही नजर आ रहा है दूसरा किधर, नहीं दोनों ही तो बैठे रहने देते हैं, एक इधर है ब्लैक वाला, तो इनको इसको भी इधर रहने देते हैं। ये देखें किधर घूम रहा है, तो भाई को भेजा है दाना शाना लेने, तो ये इधर घूम रहा है, दूसरा पता नहीं किधर है, तो वो लेके आ गए हैं भाई इनके लिए खाना पीना। ये गाजर शाजर नहीं खाते शौक से, पालक खाते हैं शौक से, बड़े शौक से खाते हैं। इधर ले आओ, तो इनको उधर ही देंगे साइड पे इनके वाली, क्योंकि इधर दिया तो मुर्गियाँ शुर्गियाँ खाएंगे मैं पकड़, वो उधर ले जाना केज के पास इनके पास। तो ले जी पालक जा रही है, तो जी इनके केज के अंदर नहीं रखते, बाहर रखते हैं इधर इनके दरवाजे के पास थोड़ा सा, ठीक है बाहर खा लेंगे फिर अंदर वाला बाद में खा लेंगे, ठीक है। तो इसको ऊपर रख देते हैं ऐसे, पर नीचे गिर गया कोई मसला नहीं। ये भी दे दो, ये क्या करने, मुर्गियाँ भी इधर से ही खा लेंगे। तो इनको जी थोड़ा सा फिला के गिरा देते हैं ताकि वो आराम से खा लेंगे, तो अब देखते हैं वो खाते हैं कि नहीं। जी खरगोशों ने तो खाना स्टार्ट नहीं किया, पर मुर्गी ही आ गई है जी, ये हर चीज़ को आके पहले खाना स्टार्ट करती है, तो मुर्गा भी खा रहा है तो इनको खाने देते हैं, फिर इनको देख के खरगोश भी चले जाएंगे। वो उधर घूम रहा है, अलग ही घूम रहा है इधर, वो देखें तो चार पाई के नीचे से आएगा शायद, इधर आगे मैं बैठा हूँ शायद इसलिए नहीं आ रहा। लें जी अब खा रहा है ठीक से, ये भी खाना स्टार्ट कर दिया, और दूसरे को पता नहीं है, वो है पता नहीं किधर, तो वो मेरे ख्याल से केज के अंदर है, तो उसको भी भाई निकालते हैं और कबूतरों को भी दाना देते हैं। लें जी दाना शाना इसको दे दिए, पानी शानी इसका रख दिया, अब ये दाना शाना खाएंगे, कबूतर भी खा लेंगे और दूसरे जानवर भी जिसने खाना होगा खा लेगा। लें जी आलमोस्ट सब जानवरों को दाना दे दिए, ठीक है तो इनको खाने देते हैं, तो ये खा रहे हैं जी सारे मिलके, अपनी डव मुर्गियाँ सारा कुछ ही, खरगोश इधर खा रहा है अपना, तो इसको भी खाने देते हैं, पानी शानी इनका पड़ा हुआ है, तो ये दाना शाना खा के पानी शानी पी के खुद ही केज के अंदर चले जाएंगे, सही है ना। तो यही टाइम है, अब इनको बंद करने का टाइम भी वैसे भी हो गया है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलेंगे इंशाल्लाह कल न्यू वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर मार के सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन लाजमी दबाएँ ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक आ सके। तो यार लाइक शाइक मार दो, कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन लाजमी दबाएँ, रेड कलर का बटन दबाएँ, मैं भी इधर से रेड कलर का बटन दबा रहा हूँ।